सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया अपना ये पनीर कुलचा, पूरा कॉम्बो है, साथ में रायता, दाल मखनी और पूड़ी, सब्जी, पिकल है, अनार के दाने, मजा आया। बाद हमारा राजमा चावल, सैलेड और घर से लाए थे एप्पल जो हमने यहीं काट लिए हैं, साथ में ये भी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल बीइंग दिल्लीआइट्स। जगह याद आ रही है कुछ देख देख के? नहीं याद आ रही ना तो ऊपर आई के सिंबल पे क्लिक कर देना, सब याद आ जाएगा। हम है कॉन्स्टेंट मॉल में, कौन सा सेक्टर भाई है? 109 गुरुग्राम। बिल्कुल, कहाँ पर है ये? द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है ना। तो हम एक साल पहले आए थे यहाँ पर, उस टाइम पे डेवलप हो ही रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था ऑलमोस्ट यहाँ पर, सिर्फ शॉप्स थी, खाली खाली शॉप्स थी, कुछ नहीं था। अभी देखो यहाँ पर बीकाने वाला इतना बड़ा खुल गया है, लेफ्ट साइड पर डोमिनोज, उससे आगे जाओगे केएफसी और बाकी तो ड्रोन शॉट में मजा ही आ जाएगा। तो चलते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आप ठीक बिल्कुल, भाई एक बार कैमरा घुमाइए जरा, ये देख रहे हो, ये रोड बिल्कुल खाली पड़ी होती थी, ये जो ऊपर फ्लाईओवर अब बन गया है ना, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूरा ब्लैक टॉप हो चुका है, नहीं तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की रोड थी जब हम आए थे ठीक एक साल पहले। और मुझे याद है अच्छी तरह, बारिश में भीग रहे थे और सामने खाली दुकानें पड़ी थी जहां हमने शेल्टर लिया था। आज बीकानेर का कब्जा है यहां पे। तो चलते हैं अंदर, लंच और ब्रंच का बहुत मन कर रहा है क्योंकि भूख बढ़ती जा रही है। आइए। आइटम को ऑर्डर किया जाए, भाई और मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से चखना चाहते हैं और देखते हैं इनकी यहाँ की जो है फ्रेंचाइजी उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने मंगाया है, सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया अपना ये पनीर कुलचा, पूरा कॉम्बो है, साथ में रायता, दाल मखनी और सैलेड। एक हमने किया है पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी पिकल है और सैलेड है। फिर है हमारा राज कचौड़ी, क्या बात है, अनार के दाने, मजा आ गया। और उसके बाद हमारा राजमा चावल, सैलेड और पिकल। और ये हम घर से लाए थे एप्पल जो हमने यहीं काट लिए हैं, साथ में ये भी चाहिए, फ्रूट तो चाहिए आफ्टर लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। तो करते हैं स्टार्ट, टेस्टिंग करते हैं भाई, पेट की भूख बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आते हैं अपना पूड़ी सब्जी पे, ऑयल फ्री इनकी पूड़ी लग रही है, भली नहीं है,
ब्राउन ब्राउन सी है, एक बाइट लेते हैं और बताते हैं कैसा है इनका फ्लेवर। ये आ रही है अपनी स्पून, सब्जी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी है। सब्जी में क्या क्या है? छोले हैं, छोले और आलू हैं। सब्जी गाढ़ी गाढ़ी है, पतली नहीं है, तो पूड़ी के साथ थोड़ा स्वाद आता है खाने में। हाँ जी, क्या खबर है? सब्जी जो है ना, मसाले बिल्कुल लाइट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मेरे को थोड़ा चटपटा खाने की आदत है तो तीखापन मेरे को नहीं मिल पा रहा है। बाकी अगर बच्चे खा रहे हैं या कोई अपने पेरेंट्स वगैरह खा रहे हैं फैमिली में, तो उनके हिसाब से बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तीखे के साथ में मिर्च का अचार दिया है? मिर्च का अचार तो दिया है भाई, अगर जो इसके अंदर जो तीखापन होगा ना, वो तीखा मिर्च नहीं दे पाएगी। बाकी अगर आप कह रहे हो तो मिर्च भी जरा एक बार चख के ही देख लूँ। ये देख लो इतनी बड़ी मिर्च है, और बिना किसी चीज़ का खा के दिखाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा। भाई गलत है क्योंकि एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था, अगर इन्होंने खींच ली इस बात को, बाहर से मसाला ला के छोड़ दिया, मसाले ने खिला दिया। अगर अंदर ना सिर्फ फोकी थी, जिसका मिर्च का सिर्फ पानी लग रहा था मुंह में, अगर मसाले ने दम दिया, बाकी अब आती है बारी पनीर कुलचा रायता दाल मखनी और सैलेड की। थोड़ा इसको भी चख लें और देखें इसका स्वाद कैसा है। फुल बाहर से बटर की कोटिंग है, पनीर की फिलिंग बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, भाई वाह। पनीर डालने में बीकानेर ने कमी नहीं छोड़ी है, मज़ा पूरा बांधा है। क्रिस्पी सा कुरकुरा है साइड की, अगर आप देखो कोटिंग एकदम तंदूर की, मस्त कुरकुरापन आ रहा है। ये है दाल, दाल इनकी काफ़ी गाढ़ी सी है, कुलचे के हिसाब से बिल्कुल सही है दाल, अगर पतली होगी तो मज़ा नहीं आ पाएगा। ये बाइट जा रही है, पनीर के कुलचे की फिलिंग A1, लग रहा है कि पनीर कुलचा खा रहा है, ऐसा नहीं कि कुलचा खा रहा हूँ। मसाले मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना माइल्ड ही रखे इन्होंने, तीखापन ज़्यादा नहीं रखा। अपने को थोड़ा आदत है ज़्यादा तीखा खाने की, तो चाहे तो फिर ऊपर से कुछ मसाले डालना पड़ेगा या फिर अचार वगैरह के स्वाद के साथ आएगा। अगर वैसे मसाले बिल्कुल ओके, A1। आप ट्राई करें। आइए भाई, अब चाट से शुरू करते हैं। ये है राज कचौड़ी, जिसमें बहुत बड़ा सी ऐसे पूरी होती है, उसको अंदर फॉलो होता है, तो उसमें अनार और भल्ला और दही और स्प्राउट्स वगैरह डाल के बढ़ते हैं, और ऊपर भी दही की काफ़ी सारी इन्होंने फिलिंग की है। तो एक पहले अंदर से फिलिंग निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मेरे पास फिलिंग में आया है भल्ला, थोड़ी सी चटनी, अनार का दाना, शायद मूंग का दाना भी है नीचे, वाव, इतना रिफ्रेशिंग है भाई। ठंडी मीठी दही साथ में चटनी, चटनी ज़्यादा मिर्च वाली नहीं है, खट्टी मीठी है, तो गर्मी में अंदर ह्यूमिडिटी में ये खा लो, और इतना पोर्शन साइज इतना बड़ा है कि शायद दो बंदे आराम से खा सकते हैं, आराम से, एक तो नहीं खा पाएगा। सिर्फ अगर दही टेस्ट करूं, गाढ़ी दही है, मीठी है, तो बहुत टेस्टी है, दही अलोन बहुत टेस्टी है। कचौड़ी क्रिस्पी है, कॉम्प्लीमेंट अच्छा करती है कचौड़ी दही के साथ, साथ में धनिया है वगैरह, ये सब काफ़ी कुछ डाला हुआ है इन्होंने। बीकानेर वाले की ना राज कचौड़ी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, ये कभी फेल नहीं करते इसमें। अब आते हैं राजमा चावल पे, राज कचौड़ी के बाद राजमा चावल, चेंज करता हूँ थोड़ा। राजमा चावल तो यार बचपन से मेरे ख्याल से हर नॉर्थ इंडियन का फेवरेट होता है, माँ के हाथ का बना हुआ राजमा चावल, वहाँ से टेस्ट डेवलप होता है। आज रेस्टोरेंट का खा रहे हैं, बिल्कुल गरम गरम राजमा, ये देखो धुआं अभी तक निकल रहा है।
काफ़ी गर्म लग रहे हैं। थोड़ा सा चावल में डाल के टेस्ट करता हूँ। बॉयल्ड राइस लग रहे हैं, साथ में थोड़े मटर के दाने भी हैं ऊपर। तो एक बाइट लेता हूँ। आहा, बिल्कुल ऑथेंटिक राजमा चावल। मुझे लग रहा है देसी घी का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है इसका। अच्छा है, बिल्कुल माँ के हाथ के राजमा चावल की याद आ गई। साथ में इन्होंने खीरा और प्याज का सैलेड दिया है और एक पैक्ड मिक्स्ड वेजिटेबल पिकल दिया है। तो शायद मैं पिकल तो यूज़ नहीं करूँगा, बट हाँ राजमा चावल अकेले ही बहुत टेस्टी हैं और पोर्शन साइज़ एक जने के लिए काफ़ी है। तो इफ़ समवन इज़ कमिंग फॉर लंच या डिनर तो एक राजमा चावल ले लो, सही हो जाएगा। अगर आप सेक्टर 109 कॉन्सेंट मॉल विजिट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बीकानेर जरूर विजिट करें। यहाँ पे लंच, ब्रंच, इवनिंग स्नैक्स, रात का डिनर मस्त एंजॉय कर सकते हो। माइल्ड से फ्लेवर है, खाना एकदम साफ सुथरा बना हुआ है, प्लस जो इनका पूरा काफ़ी साफ सुथरा है। एग्जैक्टली, तो हर एक चीज़ वेल मेंटेन्ड है और यही हम सबको चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों।